नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जून दिन बुधवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाई ये आरोप। तेजस्वी को मिली राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में टली सुनवाई। सभापति ने सम्राट से कहा गुंडागर्दी, मुर्दाबाद जैसे शब्दों का न कर इस्तेमाल। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए सोनिया गांधी की डिनर नाइट पार्टी। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने पप्पू यादव को कही ये बात। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा पीड़ितों के घर जाने वाले पप्पू यादव अचानक हमलावरों के घर कैसे पहुंच गए। आगे उन्होंने कहा कि अब पप्पू यादव खुद इस मामले की जांच करवाएं और इंसाफ करें। बताते चले कि 6 जुलाई को बहेरा थाना में मदन सहनी के बेटे अभिषेक कुमार ने आवेदन दिया था। साथ ही साथ 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसकी वजह बताते हुए मदन सहनी द्वारा कहा गया था कि ग्राम पंचायत राज रड़ियाव बाथों में +2 उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण मेरे बेटे द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय के भवन निर्माण करने के एवज में पंचायत के मुखिया और उनके समर्थकों के द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और बेटी के साथ मारपीट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। जब इस बात की जानकारी पप्पू यादव को मिली तब वे देर शाम आरोपी के घर पहुंचे और उनके पक्ष में रहकर मदन सहनी पर हमला बोला। साथ ही साथ घटिया सामग्री से स्कूल निर्माण करने का आरोप लगाया और सरकार को धौंस दिखाकर मुखिया परिवार को डराने की बात भी कही गई। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाए ये आरोप। सीबीआई की चार्जशीट दायर होने के बाद सुशील मोदी लालू परिवार पर तीखा प्रहार करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे। अब इसी कड़ी में उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सहित लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि 1 लाख रुपए में करोड़ों की कंपनी के मालिक वे कैसे बन गए। आगे उन्होंने पूछा है कि सगुना मोड़ पर 750 करोड़ का मॉल बनाने के लिए पैसे कहां से आए। न उन्होंने पढ़ाई की और न ही नौकरी, लेकिन 33 साल में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बने तेजस्वी। इसे लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने गरीबों पिछड़ों को गुमराह कर सत्ता पाई और इसका दुरुपयोग केवल संपत्ति बनाने में किया। उनका परिवार देश में सर्वाधिक भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों में है। नित्यानंद राय ने बिहार के शासन व्यवस्था पर उठाए सवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ने बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में खादी ग्रामोद्योग के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगा पाने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि तेजस्वी यादव नीतीश को हटाकर उनकी कुर्सी हथियाने में लगे हैं। वहीं बिहार में क्राइम के आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में 2400 से ज्यादा हत्या हो चुकी है, 800 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, सैकड़ों बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हुई है। ये लोग जानबूझकर अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं ताकि इनके दम पर ही आगे चुनाव जीत सके, जबकि चुनाव जनता के बल पर जीता जा सकता है, न कि अपराधियों के दम पर। तेजस्वी यादव ने इस्तीफे की मांग पर कही ये बात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला किया है। उन्होंने भाजपा को झूठे की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि वह झूठ उत्पादन करती है, इसका थोक कारोबार करती है, खुद इस बेचती है, लेकिन इस फैक्ट्री के बंद होने का समय आ गया है। उनका वॉशिंग पाउडर भी समाप्त हो गया है। इससे भाजपा में शामिल होने वाले दूसरे दलों के दागी नेताओं की धुलाई करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इस पर ताला लगा देगी, भाजपा को इसका एहसास हो गया है। वहीं विपक्षी दल द्वारा इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि साल भर पहले कह दिया गया था कि केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय होंगी, मामले बनेंगे और चार्जशीट भी होगा। आगे उन्होंने विधानसभा में हो रहे हंगामे को लेकर कहा कि अकारण हंगामा कर भाजपा जनता का नुकसान कर रही है, भाजपा सदन के अंदर तार्किक बहस नहीं कर सकती। तेजस्वी को मिली राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में टली सुनवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बीते ही दिनों कोर्ट से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के मामले में थोड़ी राहत मिली है। दरअसल बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई टाल दी गई। मिली जानकारी के अनुसार अब यह जानकारी 8 अगस्त को होने वाली है। मालूम हो कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आया था। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 17 अन्य आरोपी पहले से ही इस मामले में आरोपी हैं। सीएम नीतीश के जीरो टॉलरेंस नीति पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में चल रहा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा। बीते दिन की तरह ही आज भी कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षक अभ्यर्थियों और तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में लगे चार्जशीट को लेकर इस्तीफे की मांग उठने लगी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव इतने संपत्ति के मालिक कैसे बने। मैं आसन का सम्मान करता हूं, नेता विरोधी दल को बोलने की परंपरा रही है। पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा क्या हुआ। इस सवाल का जवाब उन्होंने पास ही बैठे नीतीश कुमार से मांगा और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सम्मान वेतन देने की बात कहने वाले आज क्यों मौन है। किसान सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा।
मुख्यमंत्री जी आपके जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? आप तेजस्वी यादव को बगल में बिठाए हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार करने को लेकर चार्जशीट दाखिल किया गया है, क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे? विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए सोनिया गांधी की डिनर नाइट पार्टी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि बैंगलोर में विपक्षी दलों की अगली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर आमंत्रित किया है। बीते दिनों कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री द्वारा यह संकेत भी दिए गए थे कि विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में सोनिया गांधी शामिल हो सकती हैं। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ साथ 24 अन्य पार्टियों को भी आमंत्रित किया जा चुका है। इस बैठक से ठीक एक दिन पहले सोनिया गांधी डिनर नाइट का आयोजन करवा सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए सोनिया गांधी ने रात्रि भोज का आयोजन करवाया है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर राजद विधायक ने कही ये बात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को मुद्दा बनाकर बिहार का विधानसभा गरमाया हुआ है। अब इसी कड़ी में इस मुद्दे को लेकर राजद विधायक का बयान सामने आया है। राजद विधायक द्वारा कहा गया कि सिर्फ आग लगाना बीजेपी के फितरत में रही है, इसलिए जनता की समस्या से उनको कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए बेकार की बातों को लेकर विधानसभा को बाधित कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि किस चीज का इस्तीफा, तो तरीपार था वो इस्तीफा दिया, यहां तो रोज चार्जशीट हो रहा है, तो इसमें इस्तीफा देने की बात कहां से आई। विधानसभा में विधायकों ने लांघी मर्यादाओं की सीमा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा, लेकिन हंगामा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कई नेता तो अपने मर्यादाओं की सीमा तक लांघ रहे हैं। कुछ विधायक वेल में आकर कुर्सियां उठाने लगे, तो वहीं कुछ विधायक कागजों को फाड़कर सदन में उड़ाने लगे। विधायकों की हरकतों को देखकर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी द्वारा कहा गया कि आप लोगों की यह हरकत अशोभनीय है। इन हरकतों को लेकर महागठबंधन के विधायकों ने कार्यवाही की मांग की, लेकिन इसी बीच में कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की ली चुटकी। अक्सर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में चल रहे हंगामेदार सत्र के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी की चुटकी ले ली। दरअसल सम्राट चौधरी अक्सर सर पर गमछा बांधे नजर आते हैं। इसी को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि आप सर पर मुरठा क्यों पहने हैं। इसके जवाब में सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि आपको सीएम की कुर्सी से हटाना है, जिस दिन हटा देंगे उसी दिन ही मेरी पगड़ी हटेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को बताया राजद के सामने हो गए नतमस्तक। उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया द्वारा जब तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के काफी करीब आ गए हैं पर उनकी गाड़ी में हमेशा घूमते हैं, इसके जवाब में कुशवाहा ने कहा कि इससे नई बात कहाँ है, वह तो पहले फरमान सुना चुके हैं कि उनके बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब क्यों आ गए हैं, वह तो राजद के सामने नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपको राजद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब नीतीश कुमार को देखकर हमें गुस्सा नहीं आता बल्कि दया आती है। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया पीएम उम्मीदवार। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक अब बैंगलोर में होने वाली है। इस बैठक से पहले एक बार फिर से विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के एक नेता का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बता दिया। दरअसल कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने लालू यादव के बयान के राजनीतिक मायने को समझाते हुए कहा कि दुल्हा तो राहुल गांधी ही बनेंगे और बाकी सभी पड़ाती हैं। याद हो कि जब विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी से पूछा था कि राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं, आप शादी कर लीजिए, हम लोग बारात जाना चाहते हैं। राहुल गांधी के सजा को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता दे रहे धरना। राहुल गांधी पर चल रहे मोदी सरनेम मामले में मिली सजा को सूरत कोर्ट ने बरकरार रखा। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी बयानबाजी की। अब इसी फैसले की निंदा करते हुए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस नेताओं ने मौन व्रत का धरना किया। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत मोदी सरनेम को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ कूचक्र रचा गया, वो पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष से जनित है। आगे उन्होंने बताया कि अडानी के खिलाफ संसद में लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी को निशाने पर लेकर मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसाई है। अब यह कोशिश हो रही है कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जाए। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरेगी। सभापति ने सम्राट से कहा गुंडागर्दी मुर्दाबाद जैसे शब्दों का न करें इस्तेमाल। बिहार विधान परिषद में चल रहे कार्यवाही के बीच सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहसबाजी देखने को मिली। इसे लेकर सभापति ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि पहले जो होता था वो आगे भी हो जरूरी नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। बता दें कि बीजेपी के सदस्य नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके इन हरकतों पर सभापति द्वारा यह कहा गया। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के अंदर गुंडागर्दी मुर्दाबाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, साथ ही सदस्य सदन के अंदर किसी को उंगली नहीं दिखा सकते। विपक्षी दलों में पीएम फेस को लेकर अखिलेश यादव ने कही ये बात। बीजेपी ने विपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े किए, जिसमें से एक सवाल काफी चर्चा में रहा। दरअसल यह सवाल था प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर। विपक्षी एकता में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कई बार बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का इसे लेकर बयान सामने आया है। दरअसल एक सवाल जवाब के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वे इस बारे में बाद में फैसला करेंगे। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि क्या अखिलेश यादव सोचते हैं कि वह 2024 में विपक्ष के नेता होंगे। वहीं
बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी एकता के पीएम फेस को लेकर कहा गया था कि हम चुनाव में साथ मिलकर काम करेंगे और इस बारे में बाद में दूसरी बैठक में बात करेंगे। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, धीरज राय। चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नीतीश कुमार राजद के सामने खुद को नतमस्तक कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।